आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और वैसे तो पता ही नहीं टाइम कितना हो, मुझे टाइम ही नहीं देखा मैंने आज सुबह से। वैसे भी मैं 3 बजे तो सोई थी। और ताशु के टेस्ट हुए, टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। एक रह गया बस एक्सरे का टेस्ट होना, वो हो जाए उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। और भैया हॉस्पिटल में रात बिताना बड़ा बेकार होता है। शांति से नींद तक तो छोड़ो, बैठा भी नहीं जाता। खाना भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है बस। तो जो चाय पीने की लग रही है, चाय आ जाए। हॉस्पिटल की चाय बड़ी बुरी है, अच्छी नहीं लगी। पी में ज़रा सी एक कप मंगाई थी, बट मज़ा नहीं आया उसमें चाय में। तो सोच रही हूँ घर से चाय मंगाऊँगी। चाय पीनी है तो घर से मंगानी पड़ेगी, अच्छी नहीं है यहाँ की चाय, अजीब सी है। और मैं तो कहूँ भगवान शाम तक छुट्टी हो जाए, वरना मैं पक जाऊँगी यहाँ बैठे बैठे। सही हो जाए उसके बाद देखते हैं क्या है। मारेंगे डॉक्टर, रात पता कैसे गिरा है ना। ओ फोन पे है तो बाहर निकाल के बोले एक जना ही रुकेगा, तो वो बैठे क्योंकि उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए, नहीं पता सब चीज़ें मुझे नहीं पता, तो इसलिए वो अंदर बैठे और मैं और नंदिनी बाहर आ गए। ऐसे घूम रहे हैं, बाहर जा नहीं रही क्योंकि बाहर और धूप, और हम ऐसे ही हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। और ये नंदिनी, और हम गए थे कैंटीन में, पर कैंटीन में कुछ ब्रेड पकौड़ा खाना था, पर इनको वो है ही नहीं। अभी सीख जाएगा तो तब जाएंगे हम लेके आऊँगी, क्योंकि ये खाना तो खा के नहीं आई, सोई ऐसी भाग आई चाय पी के। तो लेके आ जाएंगे, तब आ जाएंगे। तो मैं बैठी कैंटीन में और भाई अंदर बैठ बैठ के मैं पक गई, सर में दर्द हुआ। और वैसे तो मुझे लगता है 4 बजने वाला है, टाइम नहीं देखा मैंने ऐसे ही। और ना नहाई, ऐसी ही हूँ, नहाई भी नहीं हूँ सुबह से आज मैंने। नहाना तो छोड़ो, मेरे तो आज मुँह भी नहीं धुला, ऐसी सुबह से खा रही क्या करूँ। कोई आए नहीं तो मैं गई नहीं, कोई आ जाता तो मैं चली भी जाती। और मेरी मम्मी आई थी और छोटी बहन निंदा आई हुई, ताशु को लेके बैठी हैं। तो मैंने बोला दीदी मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, तो उन्हें भूख बुलाने गए हैं, कुछ खा लेंगे, भूख लगी वैसे भी, शाम हो रही है। सुबह ही मैंने खाया था, फिर नहीं खाया। और मुझे तो यहाँ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, अपने घर की चाय आई नहीं अभी तक। कोई आ जाता तो चाय मिल भी जाती, कोई आया नहीं तो चाय भी नहीं मिली। कोई नहीं, अभी इसी से काम चलाएंगे, देखते हैं शाम तक छुट्टी करा लेंगे, वरना कल सुबह तो करा ही लेंगे। क्योंकि ताशु भुगतान को रहा है, यहाँ रुक नहीं रहा, क्योंकि बच्चों को तो ये है कि जो चलता है तो घूमने का उनका ही होता है, घूमने को मिल नहीं रहा, तो इसलिए वो परेशान हो रहा है। फिर ताशु तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो। हाथ हाथ दिखाओ, कहाँ हुई हुई है तेरे को, हुई कहाँ हुई है पहले दिखाओ, हाथ हाथ दिखाओ। ओले भाई, यहाँ हुई हो गई ताशु को। आज ना ताशु नहाया, ना ताशु की मम्मा नहाए, सब ऐसे ही हो रखे हैं हम। गिर मैया तू गिर जाओ, करो तो बैठ जाओ, अब बहुत नाच लिए, बैठ जाओ बस। जी अभी गिर जाओ, ये देखो कैसे भगा जा रहा है। ये चला आ जा इधर, आ जा ताशु, गाय गाय गाय, ये आ गई मेरी चाचू। अंदर रो रहा था इसलिए मैं इसको बाहर ही ले आई हूँ। हाँ ये नया हमसे खेलेगा, लेके जाऊंगी बाद में इसे बाहर। और देखो इसके पिलर के बार बार चक्कर काट रही है। जा हो गई। ये देखो ये बीमार है, ये एडमिट हो रखे हैं। कोई कह देगा ये बीमार है। ताशु जल्दी आ इधर, ये हो गए ना। कहाँ गया आ जल्दी इधर इधर। और रो रो गुरु मत जाइयो। ओ जबे चलो, ओ जरा धीरे चलो, लचक जाएगी पतली कमर, ओ लचक जाएगी पतली कमर। ओ रे भैया का होगा हमारी। छुट्टी हो चुकी है और ये देखो ताशु हो गया रेडी घर जाने के लिए अपने, ये ना
अच्छा ही हो ना तुम, दिखाओ हुई कहाँ हुई है चाचू के, इसमें हो गई हुई को कुछ कुछ हो रही है ना, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। और इसके पापा कहीं पेपर बनवाने के लिए पेपर बनवा रहे हैं अभी, वो बन जाएंगे तो हम चले जाएंगे अपने घर अपनी दीदी के पास, ताशु की दीदी के पास जाएंगे, अच्छे जाएंगे, है ना ताशु। और देखो मैंने सामान भी सब रख लिया निकाल के, बस वो आ जाए तो हम लोग जाएंगे। दिखाओ लिखाओ ना, मैं दिखा ओ ताशु के बैकपैक और हम लोग जा रहे हैं, नहीं है पॉलिथीन काटना भारी हो गए ना हॉस्पिटल में, है ना ताशु, गंदी 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 वाइब आ रही थी वहाँ पे, है ना छीछी वाली, अच्छा नहीं लगा ताशु को, किसे अच्छा लगता हॉस्पिटल में। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर, 250 रुपये तो इसकी गर्दन ले ली सर मार रहे हैं और फिर पाए डॉक्टर आते तो हमारे पेट हिल रहा है तो बार बार रख रहा है। अरे बस फ्रेंड्स हम लोग, मैं नहा ली हूँ, चेंज भी कर लिया और ताशु पी रहे हैं दूध, है ताशु बुबू पी रही हो, है ना। और ताशु के लिए मैंने छोटी बोतल मंगाई है, वो बड़ी थी ना वो सही से साफ नहीं होती और फिर उसमें दूध भी छोड़ देता था तो वो ठंडा हो जाता था। ये है कि इसमें दूध पी लेगा पूरा, ये पीता रहेगा इसे, फिर वो लेकर और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो के एंड करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स टाइम मेरी वीडियो कैसी लगी। गुड नाइट, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय। तू पैर दिखा रहा है।